हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखने वाले हैं मिश्र अनुपात पार्ट फोर। यदि आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए उनके लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियो को पहले आप देख लें, इससे कि आपको ये मिश्र अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको समझ में आए और आगामी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अब हम देखने वाले हैं मिश्र अनुपात पार्ट फोर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी एक नहर 350 दिन में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन के बाद उसे पता चलता है कि जो नहर का 4.5 किलोमीटर हिस्सा है वो ही पूरा हो पाया है, यानी कि आधा काम भी नहीं हुआ और दिन आधे से ज़्यादा खर्च हो गए। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए वह कितने आदमी और लगाएगा या कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन ने ऐसे कहा है कि जो पूरा क्वेश्चन है उसके अंदर एक पूरा 12 किलोमीटर की एक नहर दी गई है और उसे 350 दिन में खोदना है। तो टोटल जो आपके पास यहाँ पे वर्क दिया गया है वो एक नहर खोदने का था और कुल जो कार्य है वो है 12 किलोमीटर की नहर। तो क्वेश्चन में आप समझिएगा कि आपको क्या क्या दिया उसने और किस प्रकार से इसे मिश्र अनुपात में आप लगाएंगे। तो कुल कार्य है 12 किलोमीटर की नहर और टोटल जो आपको टाइम लगने वाला है इसमें 350 दिन। 350 दिन जो दिन है उसको किस प्रकार से, कितने आदमी काम पे आते हैं, कब तक वो आते हैं, वो सारा क्वेश्चन ने दे रखा है। तो सबसे पहले उसने कहा कि 45 आदमी, तो मेन के नीचे आप लगाएंगे 45। टाइम बताया कि 200 दिन के लिए वो काम करते हैं, तो टाइम के लिए आप 200 नीचे लगा देंगे। 200 दिन बाद पता चला वर्क उन्होंने 200 दिन में 4.5 किलोमीटर नहर को बनाने का किया। उसके बाद उसने कितने आदमी और लगाए, अपने को पता नहीं है कि कितने आदमी और लगाए। टोटल को आपने एक्स मान लिया कि 45 प्लस कुछ आए होंगे यहाँ पर। ये जो आदमी है वो टोटल वर्क को समाप्त करेंगे, तो 12 किलोमीटर की नहर थी, 4.5 किलोमीटर ऊपर बना चुके हैं, तो आप वर्क के नीचे 7.5 किलोमीटर की नहर और बच गई। बचे हुए दिनों में इसको तय समय पे पूरा करेंगे, तो 350 दिन टोटल टाइम था, 200 दिन उसमें से ऊपर खर्च हो चुका है, तो 150 दिन उसमें से अभी बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पर 150 टाइम के नीचे लगाते। अब टाइम को टाइम से काट सकते हैं, 50 से काटते 4 बार 200 को और 150 को काटते 50 से 3 बार। इसी प्रकार वर्क को वर्क से काटते, 15 से काटते इसको, तो पॉइंट कट जाता 45 3 बार और 75 5 बार। इसके बाद वही कॉन्सेप्ट आप इसे वी शेप में मल्टीपल करते। ये वी शेप का जो मल्टीपल है वो सभी क्वेश्चंस के अंदर आपके बराबर आने वाला है। जैसा कि आप पास्ट वाले क्वेश्चनों में देखा, तो एक तरफ का जो एक्स वाला वी था वो बचा आपके पास एक्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 4। अब आप 3 × 3 मतलब 9 से 45 को काटेंगे 5 बार और अब इन सभी को आप गुणा करेंगे, तो x की जो वैल्यू फाइंड होके आएगी वो आएगी आपके पास 100। तो यहाँ पर आपके जो ये 100 व्यक्ति आए हैं वो टोटल आदमी फाइन करके आए हैं, तो कुल आदमी आपके पास आए 100। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब कितने आदमी और लगाने पड़े। तो इन 100 में से 45 आदमी आपके पहले वाले थे और 55 आदमी आपके और लगाने पड़े। तो ये सभी जो आदमी रहे वो 55 आदमी आपने और लगाए, तो प्रश्न का जवाब होता 55 आदमी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन से टुकड़ों वाइज आपको देखना था, वही मेन वर्क टाइम को मिश्र अनुपात में लगाना था, काटना था, वी शेप में गढ़ना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको ऐसे कुछ दिया था। सेम इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट 24 नंबर क्वेश्चन में है।
वही क्वेश्चन है, फिर से आप उसे देखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, किसी कार्य को 60 दिनों में करने के लिए 35 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है, 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 हिस्सा ही पूरा हुआ है, मतलब 5 में से 2 कार्य ही पूरा हुआ है, आधा काम भी पूरा नहीं हुआ है। शेष कार्य को उसी अवधि में, मतलब जो 60 दिनों की अवधि है उसी में पूरा करना है, करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जैसा पिछला क्वेश्चन देखा उसी हिसाब से था। यहां पर एक वर्क है, उसको पूरा करने के लिए उसने ठेके की तरह 60 दिन में उस कार्य को पूरा करवाने का जिम्मेवारी ली थी। 60 दिन में से किस प्रकार से व्यक्ति काम पर आए, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। सबसे पहले उसने 35 व्यक्ति काम पे लगाए थे, तो मेन के नीचे 35 लिख देंगे। 32 दिनों के बाद पता चला था, तो ये 35 व्यक्ति 32 दिन तक काम करते रहे। वर्क इन्होंने जो ख़त्म किया वो 2/5 हिस्सा किया, तो वर्क के नीचे आप 2/5 लिख देंगे, तो बाकी जो हिस्सा बचा वो 5 में से 2 हो गया, तो 5 में से 3 हिस्सा बचा होगा। 32 दिनों के बाद में उसने आदमी और लगाए, तो और आदमी यहाँ से शेष कार्य को करेंगे, तो शेष कार्य रहा होगा 5 में से 3 कार्य, तो कार्य के नीचे आप 3/5 लगा देंगे। जैसे 2/5 हो गया था, 5 में से 2 हो गया था, 5 में से 3 कार्य आपके पास बचा। व्यक्ति उसने और लगाए, पता नहीं कितने व्यक्ति और लगाए, तो आप उसे एक्स मान लें। तय समय पर कार्य को पूरा कर लिया गया, उसी अवधि में पूरा कर लिया गया, तो 60 दिन की अवधि थी, उसमें 32 दिन पहले से लग चुके हैं, और बाकी जो आदमी आए हैं वो बचे हुए 28 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वी शेप में अब आप इसे लगा सकते हैं, पहले काट भी सकते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में काटा। 32 और 28 को 4 से काटेंगे, तो 8 बार और 7 बार इसे काटा आपने। इसी प्रकार से कार्य को काटेंगे, 5 से 5 काट लेंगे, दोनों के हर में मौजूद था, फिर इसे वी शेप में आप गुणा करेंगे। ये वी शेप का मल्टीपल सभी क्वेश्चंस के अंदर आप बराबर करते हैं, काटते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान काम है। तो यहाँ से x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8। यहाँ से 2 से आप 8 को काटेंगे 4 टाइम, 7 से 35 को काटेंगे 5 टाइम, x की वैल्यू जो आपके पास फाइंड होके आएगी वो होगी 5 × 3 × 4 60। 60 ये कुल व्यक्ति आपके पास आए हैं, कुल आदमी जो 60 व्यक्ति रहे टोटल, इनमें से कुछ पहले वाले व्यक्ति थे, तो 60 में से 35 आदमी उसने शुरुआत में लगाए आपके पास, तो 35 व्यक्ति पहले वाले, और 25 आदमी उसने और लगाए। तो आपसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने आदमी और लगाए गए, तो आप ये कह सकते हैं उसको कि 25 आदमी उसने और लगाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट थे और सेम ही बातें उसने एग्जाम में पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक ठेकेदार ने एक सड़क को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसने 25 आदमी काम पर भी लगाए। 24 दिनों के बाद उसे पता चला कि केवल सड़क का 1/3 हिस्सा ही पूरा हो पाया है। अब ठेकेदार कितने आदमी और लगाए कि सड़क है वो नियत अवधि से भी 4 दिन पहले ही बन जाए। तो बहुत ही आसान बात थी, उसी प्रकार से सोचेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। टोटल जो टाइम यहाँ पर उसने दिया ठेके का वो था आपके पास 40 दिन, ये टोटल टाइम था वर्क को पूरा करने का, इसे कुछ टुकड़ों में करवाया गया। फिर उसने कहा कि 25 आदमी काम पर लगाता है वो, तो मेन के नीचे लिखेंगे आप 25। टाइम जो इनको लगा 24 दिनों के बाद उसे पता चला, तो 24 दिन तक ये 25 आदमी काम करते रहे। वर्क का 1/3 हिस्सा, 1/3 सड़क ही उन्होंने बनाई, तो वर्क के नीचे लिख देंगे 1/3, यानी 3 में से 1 सड़क बन गई, 3 में से 2 सड़क अभी बची हुई है। कितने आदमी और लगाए, तो 25 के बाद क्या लगाए, टोटल को आपने एक्स कंसिडर किया,
जो रिमेनिंग पार्ट था सड़क का वो बचा तीन में से दो हिस्सा, तो 2/3 आप वर्क के नीचे अरेंज कर देंगे। तय समय से 4 दिन पहले, तो तय समय था 40 दिन का, 40 में से 24 दिन पहले वाले 25 व्यक्ति लगा चुके हैं। 4 दिन पहले बना के देना है, 36 दिन में बना के देना है, तो 24 के बाद में आपके जो दिन बचे हुए हैं वो 4 कम करेंगे आप, 40 में से 36 बचेंगे, और 24 दिन पहले लग चुके हैं, तो जो बचे हुए दिनों में कंप्लीट करके देना है वो होंगे 12। ये समझ पाए होंगे 12 किस प्रकार से। अब आपको सेम चीज़ें जो पहले से सभी प्रश्नों में आप करते आ रहे हैं, 24 और 12 को काटेंगे आप यहाँ से, वी शेप में गुणा करके काट सकते हैं, पहले काट सकते हैं 12 को और 24 को काटा, 24 दो बार कटा, इसी प्रकार वर्क में से 3 को 3 से काटा, वी शेप में आप इनको गुणा किया दोनों तरफ से, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड की, एक्स वाले वी पर कुछ बचा नहीं है आपके पास, तो एक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एक्स की जो वैल्यू फाइंड होके आती वो होती 100 मैन, यानी कि 100 आदमी। 100 आदमियों में से उसने पूछा कि कितने आदमी उसने काम पर और लगाए, तो यहां से देखिए उसने 25 आदमी तो पहले से ही काम कर रहे थे, कितने आदमी और लगाए ये चीजें, तो 75 आदमी उसने और काम पे लगाए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था और आसान क्वेश्चन था, और आपका उत्तर होता यहाँ पर 100 ना बता के 75 आदमी, तो 75 आदमी उसने और लगाए, तो आप उत्तर बताते 75। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये समझना था कि किस टुकड़ों में उसने मेन वर्क और टाइम को दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और अलग अंदाज का क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है, पहले समझिएगा इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये कह रहा है, कोई भवन निर्माता 40 दिन में भवन को बनाने का निश्चय करता है, 40 दिन का ठेका लेता है, उसने आरंभ में उसके लिए 100 आदमी नियुक्त किए, 35 दिनों के बाद उसने 100 आदमी और नियुक्त किए, समय को निर्धारित, वो कार्य को निर्धारित समय पे पूरा भी कर लिया गया, लेकिन फिर प्रश्न ने यह कहा कि उसने यदि अतिरिक्त आदमी नहीं नियुक्त किए होते तो निर्धारित समय से कार्य कितने दिन बाद होता। निर्धारित समय मतलब 40 दिन के बाद, तो टोटल जो टाइम उसने दिया था वो दिया था 40 दिन, पहले निर्धारित हुआ था कि 40 दिन में वो उस काम को पूरा करेगा, आदमी भी उसने लगाए थे काम पे, उसने 100 आदमी लगाए थे, तो सबसे पहले आप मैन के नीचे 100 लगाते, 35 दिनों के बाद पता चला था, तो 100 आदमी 35 दिन तक काम करते रहे, वर्क का यहाँ पे पता नहीं चला, वर्क को आप यहाँ से एक्स मानते, पिछले क्वेश्चंस में बता रखा था कि वर्क कितना है, तो यहाँ से वर्क को पहले फाइंड करते, 35 दिनों के बाद उसने 100 आदमी और लगाए, तो 100 आदमी काम कर रहे थे, 100 आदमी उसने और लगाए, तो आदमी के नीचे फिर से आप 200 लिख देंगे, ये बचा हुआ काम करेंगे, तो एक पूरा काम था, एक्स काम उससे ऊपर कर चुके हैं, तो 1 - x आपका बचा हुआ काम होता। तय समय पर उन्होंने काम को पूरा कर लिया, तो यहाँ से 40 दिन में से 35 दिन आपके पहले से लग चुके हैं, 5 दिन आपके बचे हुए हैं, ये नियत समय में उसका कार्य पूरा हो गया। अब आप इसे काटते x, पहले कार्य की वैल्यू फाइंड करते, तो 5 से और 35, 100 और 200 को काट लेते, जिनको भी पहले वीक शेप से पहले काट लेते, बाद में काट लेते, ये सब समझ चुके हैं आप, लिख के काट लेते, तो 5 को 35 से काटा, 7 बार 5 काटेगा 35 को, वी शेप में इनको मल्टीप्लाई किया आपने, तो वी शेप का जो मल्टीपल रहा एक तरफ रहा 2x इज इक्वल टू, दूसरी तरफ रहा 7 - 7x, 1 - x को 7 से आपने मल्टीप्लाई किया, पक्षांतरण के बाद ये 7x जो माइनस में था वो 2x की तरफ आया, तो 9x इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू जो वर्किंग एरिया निकल के आया वो रहा 7/9, यानी 7/9 कार्य को उन्होंने शुरू में किया था,
ये वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी थी, इसके बाद इसे वापस आपको मेन वर्क टाइम में लगाना था। मेन वर्क टाइम में आपके पास फिर से इसको लगाते आप तो 100 आदमी, 7/9 कार्य को 35 दिनों में पूरा कर पाए। तो वही बात थी, पहले से आपको वर्क नहीं दिया हुआ था तो आप वर्क 7/9 लगाते। आदमी वो और नियुक्त नहीं करता, पर्सन ने कहा और आदमी नियुक्त नहीं करता तो 100 वाले 100 ही आदमी रहते बाद में भी। शेष काम को पूरा करता तो 2/9 वर्क, यानी 9 में से 7 काम वो पहले कर चुका था तो 9 में से 2 काम बचेगा। और कितने दिनों में, तो एक्स आप उसे फाइन कर लेंगे। यहां से 100 से 100 काटते, 9 से 9 को काटते, इसे आप वी शेप में मल्टीप्लाई करते तो एक्स की वैल्यू यहां से आप फाइन कर पाते और ये पता कर पाते कि जो बचा हुआ हिस्सा था वो कितने दिन में पूरा हुआ। एक्स मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 × 35, 7 काटा इसे, 35 को 5 टाइम और एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो रही 10 दिन। 35 दिन पहले लग चुके हैं, 10 दिन उसे बाद में लगे। ये जो टोटल वर्क पूरा होता, यदि अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो ये 100 दो हिस्सों में 100 100 आदमी पूरा करते तो उसे 35 दिन में पूरा करते। पहले वाला जो कार्य पूरा हुआ था वो 40 दिन में होना था, 40 दिन में किया गया। अब जो कार्य को पूरा किया गया वो हुआ 35 और 10, 45 दिन में। तो पर्सन आपसे ये पूछ रहा था कि पहले से कितने दिन बाद में वो खत्म होता, तो निर्धारित 40 दिन से वो 5 दिन बाद में कार्य खत्म होता, तो आपको उत्तर बताना था इसका 5 दिन। आसान क्वेश्चन था लेकिन आपको पहले इसमें से वर्क निकालना था, फिर आपको फाइन करना था कि कितना टाइम लगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 27 है। एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, उसने 30 आदमी काम पर लगाए, 25 दिनों के बाद 5 आदमी और काम पे लगाए, कार्य नियत समय से 1 दिन पहले पूरा कर लिया गया। यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो कार्य नियत समय से कितने दिन बाद पूरा होता। आसान सी बात दी थी आपको, उसी प्रकार से आपको पहले से टाइम टोटल दिया था कि 38 दिन का पूरा ठेका था। शुरुआत में उसने आदमी लगाए, 30 आदमी काम पर लगाए तो मैन के नीचे लिखते 30। ये 30 आदमी आपके पास 25 दिन तक काम भी करते रहे, 25 दिन बाद उनको लगा, पता नहीं कितना वर्क उसने किया, वर्क को छुपाया था दर्शन ने। उसने और आदमी नियुक्त कर दिए 25 दिन के बाद, 5 आदमी तो 35 आदमी हो गए। शेष कार्य को करेंगे वो तो 1 − x आपके पास काम बच गया, पहले वाला काम x हो गया था, 1 − x नीचे वाला कार्य बचा। नियत समय से 1 दिन पहले उन्होंने इस कार्य को समाप्त कर दिया। जो कार्य का निर्धारित समय था 38 दिन, 25 दिन पहले लग गए, 1 दिन पहले करेगा, 37 में से 12 दिन आपके पास बचे। टाइम के नीचे 12 लगाना था, अब इसे काटना था, 30 और 35 को आप काटते, 6 और 7 × 5 से काटते इनको, फिर आप इसे वी शेप में मल्टीप्लाई करते, एक्स की वैल्यू फाइंड करते। एक तरफ से जो वी था वो आपके पास 7 × x × 12 = 6 × 1 − x × 25। 6 और 12 को आप काटेंगे 2 बार, 14x = 25 − 25x, ये आपके पास बचा। पक्षांतरण के बाद 25x 14x में जाके ऐड होगा, माइनस में था उधर प्लस में, 39x = 25। और x की जो वैल्यू निकल के आती कार्य की वो 25/39 होती। 25/39 काम उन्होंने पहले किया, तो फिर से आप इसे मैन वर्क टाइम में लगाएंगे कि 30 व्यक्ति 25/39 कार्य को 25 दिन में कर पाए थे। ये शुरुआत क्वेश्चन की थी कि 25 दिन में कराए, आपने ये
वर्क का जो हिस्सा था वो आपने निकाला, क्वेश्चन ने दिया नहीं था। यदि वह आदमी नहीं लगाता, और आदमी वह नहीं लगाता, यहां से कह रहा था कि 30 आदमियों ने 25 दिन में इतना हिस्सा कर दिया, यदि वह आदमी नहीं लगाता तो आदमी आपके पास 30 ही रहते, वापस से 30 आदमी, शेष कार्य को वो करते इसमें से, इतने काम को 39 में से 25 काम को कर दिया, तो 14 बटा 39 शेष बचा, ये 39 में से टोटल 39 को मान ले, बचा हुआ ऊपर रख दे, एक्स दिन में पूरा कर दिया, आपके सवाल का जवाब होता, कुछ इसमें से कट रहा था उसे काटते, 30 से 30 कट रहा था, वी शेप में इसे गुणा करते, ये वी शेप का मल्टीपल हर क्वेश्चन में आपके बराबर आ रहा है, एक्स वाला वी होता है एक्स मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 25 से 25 को काटते तो एक्स की जो वैल्यू फाइंड होके आती वो आती 14, तो 14 दिन उनको बाद में लगे और 25 दिन पहले लगे, तो कुल जो काम इधर हुआ वो हुआ 39 दिन में। पर्सन ये कहना चाह रहा था कि जो 38 दिन का कार्य फिक्स किया गया था, 38 दिन में जो कार्य होना था वो एक दिन बाद में जाके पूरा हुआ, 39 दिन में पूरा हुआ मतलब तय समय से एक दिन बाद में पूरा हुआ, तो आप उसे जो बताते कि उसे अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो कितने दिन बाद में जाके ये काम पूरा होता, तो 39 दिन में ये काम जो पूरा हुआ आप उसे ये कह के आते कि एक दिन बाद ये समाप्त होता नियत अवधि से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न थे। नेक्स्ट पार्ट इसका आपको जल्दी मिलेगा और उसमें आप कुछ ब्रेकिंग प्रोसेस वाले प्रश्न देखेंगे, जिसमें कि कुछ आदमी कार्य को 20 से छोड़ के चले जाएं, वापस से लौट आएं। आपको अपकमिंग वीडियो में कार्य के सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, नल टंकी, समय कार्य, मजदूरी, उनको भी अपन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना सीखेंगे कि आप उसे 5-10 सेकंड में किस प्रकार से ख़त्म कर पाएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ लिख के भेजिए कि आपको प्रश्न समझ में आए या नहीं आए, और प्रत्येक व्यूअर 2 से 5 सब्सक्राइब लोगों को सजेस्ट करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। दुकान देंगे।